भेड़िया और 7 छोटी बकरियां। एक बार की बात है, वहां एक छोटी कुटिया में एक बूढ़ी बकरी रहती थी। उसके छोटे प्यारे बच्चे थे। उनकी कुटिया के बगल में एक बड़ा दुष्ट चालाक भेड़िया भी रहता था, जो उन सभी को अपना भोजन बनाना चाहता था। एक दिन बकरी की माँ बच्चों के लिए भोजन लेने गई तो उसने अपने बच्चों से कहा, मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनो, मैं आप सभी के लिए भोजन लाने के लिए जंगल में जा रही हूँ। जब मैं दूर रहूँ तो दरवाजा मत खोलना। अगर कोई बड़ा दुष्ट भेड़िया हमारी कुटिया में आ जाएगा तो वह तुम सबको खा जाएगा। बूढ़ा बदमाश हमेशा अपने को बदल के बात करता है, लेकिन आपको उससे पहचानने में कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि उसकी भारी आवाज़ है, काले पैर और नुकीले नाखून हैं। प्यारी माँ, हम सावधान रहेंगे कि बड़ा बदमाश भेड़िए को अंदर न आने दें। हमारी चिंता मत करो, हम बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। बकरी की माँ अपने रास्ते चली गई, लेकिन कुछ देर बाद ही दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। प्यारे छोटे बच्चों, दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारी माँ हूँ, जो तुम्हें लोरी सुनाती है। एक बच्चे ने लाल मिर्च का पाउडर दरवाजे के ऊपर से खिड़की से बाहर फेंका। बड़े दुष्ट भेड़िया बार बार जल रहा था। वो अपनी आंखें नहीं खोल पा रहा था और वह मदद के लिए इधर से उधर भागने लगा। हम दरवाजा नहीं खोलेंगे, हमारी माँ की आवाज़ शहद जैसी मीठी और प्यारी है। तुम्हारी आवाज़ बहुत कर्कश है, तुम दुष्ट भेड़िए हो। बड़ा बुरा भेड़िया यह सुनकर बहुत निराश हुआ और वह शहद का छत्ता ढूंढने के लिए दौड़ पड़ा। वह शहद खाना चाहता था। उसे लगता था कि शहद से उसकी आवाज़ कोमल और मीठी हो जाएगी। जल्द ही उसे एक पेड़ पर लटके हुए एक शहद का छत्ता मिल गया। शहद का छत्ता पाने के लिए उसने छत्ते की ओर पत्थर फेंका। मधुमक्खियाँ उड़ी और भेड़िए पर आक्रमण कर दिया। अपने आप को बचाने के लिए वह पास के तालाब में कूद पड़ा। कुछ समय बाद जब मधुमक्खियाँ वहाँ से चली गईं, वह बाहर निकला और सारा शहद खा लिया और वापस दौड़ा बकरी की कुटिया की ओर। वह दोबारा दरवाजा खटखटाया। प्यारे छोटे बच्चों, अब दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारी प्यारी माँ ही हूँ। अगर तुम हमारी माँ हो तो अपने पैर दरवाजे की दरार के सामने रखो, जिससे कि हम उन्हें देख सकें। भेड़िया वैसा ही किया जैसा छोटी बकरी के बच्चे ने उसे करने को कहा। उसने अपना पैर दरवाजे के नीचे की दरार से अंदर किया। बच्चों ने देखा कि पैर काला है और उनमें से एक बच्चे ने हथौड़े से उसके पैर पर बहुत तेज मारा। दुष्ट भेड़िया दर्द से बहुत तेज रोया, नहीं, तुम हमारी माँ नहीं हो, हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। हमारी माँ के पैर सफेद हैं और तुम्हारे काले। चले जाओ दुष्ट बड़े बूढ़े भेड़िए। इस बार बड़ा दुष्ट भेड़िया सचमुच निराश हो गया। और वह दौड़ा एक गांव की ओर मिस्टर मिलर से मिलने के लिए। जैसे ही उसने गांव में प्रवेश किया, गांव वालों ने उसके ऊपर पत्थर फेंके उसे दूर भगाने के लिए। लेकिन चोट खाने के बाद भी मिस्टर मिलर के पास पहुंच गया। सुनो मिस्टर मिलर, थोड़ा आटा मेरे पैरों पर डाल दो, अन्यथा एक उदाहरण में आप देखेंगे कि मैं आपके जूते चबा रहा हूँ। मिस्टर मिलर बहुत घबरा गया और उसने वैसा ही किया जैसे बड़े दुष्ट भेड़िए ने उसको करने को कहा। उसके बाद भेड़िया बकरी की कुटिया के पास गया और दरवाजे पर दोबारा खटखटाया और कहा, प्यारे बच्चों, अब तुम दरवाजा खोल दो, मैं तुम्हारी माँ हूँ। अब और कोई शैतानी नहीं करना, हमें अपने पैर दिखाओ। भेड़िया इस बार अपने पैर दरवाजे की दरार में रखने से डर रहा था। कांपते हुए वह दरवाजे के पास आया और बच्चों ने उसके नुकीले नाखून देखे तो उनमें से एक बच्चा चूहे पकड़ने का जाल ले आया और जल्द ही माउस ट्रैप की वजह से भेड़िया दर्द से रोते हुए दिखाई दिया। उसका पैर माउस ट्रैप में फंस गया था। नहीं, तुम हमारी माँ नहीं हो, तुम्हारे नुकीले नाखून हैं। बूढ़े दुष्ट भेड़िए, तुम यहाँ से जाओ।
इस बार भेड़िया बहुत गुस्से में था। वह सहन नहीं कर पा रहा था कि बच्चे उससे ज्यादा स्मार्ट हैं। अब वह उन्हें किसी भी कीमत पर खाना चाहता था। वह दोबारा वापस अपनी कुटिया की ओर गया, नाखून काटने की कितली और अपने नाखून काट दिए। उसने उन्हें अच्छे से ठीक किया जिससे वह नुकीले ना दिखें। वह दोबारा बकरी की कुटिया के पास वापस आया। उसने दरवाजा खटखटाया और कहा, शरारती बच्चों, दरवाजा खोलो वरना मैं तुम्हें निश्चित रूप से थप्पड़ मारूंगा। माँ अपने पैर दिखाओ। भेड़िए ने दरवाजे के नीचे की दरार से अपना पैर खिसकाया। वह बहुत डरा हुआ था कि अब आगे क्या होने वाला है। पैर सफेद था, नुकीले नाखून भी नहीं थे और आवाज भी मीठी थी, उनकी माँ जैसी। तो बच्चों ने इस बार सोचा, यह सच में उनकी माँ ही है। और दरवाजा खोल दिया। आओ माँ, तुम आखिरकार घर आ गईं। बड़ा दुष्ट भेड़िए ने प्रवेश किया और सारे छोटे बच्चे अपने को बचाने के लिए छिपने दौड़ पड़े। पहला बच्चा टेबल के नीचे छिप गया, दूसरा बेड के नीचे छिप गया, तीसरा अवन के अंदर छिप गया, चौथा बच्चा बर्तन के नीचे छिप गया, पांचवा बच्चा अलमारी के अंदर चढ़ गया, छठा वॉशटब के पीछे छिप गया और आखिरी बच्चा लंबी घड़ी के पीछे छिप गया। भेड़िए ने उन सभी को ढूंढा और सबको खा लिया, सिर्फ छोटे बच्चे को छोड़कर जो घड़ी में था। तब भेड़िया चला गया और हरी घास पर लेट गया। वह थका हुआ था, उसे नींद आने लगी और वह जल्दी सो गया। जब माँ बकरी बाजार से वापस आई तो उसने पाया कि दरवाजा खुला हुआ था और घर पर कोई नहीं था। हे भगवान, दरवाजा खुला हुआ है, यहाँ क्या हुआ है? टेबल चेयर अपनी जगह पर नहीं थे, वॉशटब टूटा हुआ था और बेड उथल पुथल था। मेरे बच्चे कहाँ हैं? माँ, मैं यहाँ हूँ लंबी घड़ी में। माँ बकरी ने छोटे बच्चे को बाहर आने में मदद की। जल्द ही उसे पता चला कि भेड़िया ने उसके सारे बच्चों को खा लिया है। तब वह कुटिया से बाहर निकली और वहाँ भेड़िया घास पर सोया हुआ था। जैसे ही बकरी ने भेड़िए की ओर देखा, उसे उसके पेट में कुछ हलचल होती हुई दिखाई दी। ओ मेरे प्यारे बच्चे, अभी भी जीवित हैं, मुझे उन्हें वापस लाना चाहिए। तो उसने छोटे बच्चे को घर के अंदर भेजा कैंची की एक जोड़ी लाने के लिए और सुई धागा लाने के लिए। उसने झट से उसके पेट को कैंची से चीर दिया और उनमें से एक एक बच्चे को अपना उसका सिर पकड़ के ऊपर किया। फिर दूसरे ने ऐसे ही करके बच्चे ने अपने सारे बच्चे भेड़िए के पेट से बाहर निकाल लिए। जाओ और मेरे लिए बड़े पत्थर लेकर आओ। ठीक है माँ, जल्दी करो। छोटे बच्चे सात बच्चे नदी के किनारे गए और सात बड़े पत्थरों के साथ वापस आ गए। उन्होंने सब पत्थर भेड़िए के पेट के अंदर डाल दिए। माँ बकरी ने जल्दी ही उस भेड़िए शांति से पेट भेड़िए का पेट सिल दिया जिससे भेड़िया जाग न जाए। उसने उसका पेट सिल दिया। थोड़ी देर बाद जब भेड़िया जागा, उसके पेट में पत्थर होने की वजह से उसे बहुत भारी महसूस हो रहा था। ये क्या है जो नीचे गड़गड़ाहट कर रहा है? मुझे वर्टिगो के जैसा महसूस हो रहा है। यह जरूर उन बच्चों की हड्डियाँ होंगी, लेकिन अब ये पत्थर जैसी बहुत भारी लग रही हैं। वह पानी पीने के लिए नदी के पास गया, लेकिन जैसे ही उसने पानी पीना बंद किया, पत्थर जो बहुत भारी थे उनकी वजह से वह गहरे पानी में गिर गया और डूब गया।